नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जयपुर एक्सोटिक बर्ड्स इन्फो में। दोस्तों, मौसम बहुत ही ज़्यादा बर्ड्स के लिहाज से ख़राब हो रखा है, यानी कि इतनी सर्द हवाएं और मौसम में अचानक से बदलाव, कभी बहुत ही ज़्यादा कोहरा होना, ये बर्ड्स के लिए कुछ अच्छा मौसम नहीं कहलाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग अपने बर्ड्स का विशेष तौर पर ध्यान रखें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं, आज मैं अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड में कुछ देने जा रहा हूँ, जो आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ। एक ऐसा सॉफ्ट फूड जो कि बहुत ही अच्छा सॉफ्ट फूड माना जाता है, लाइट होता है, छोटे बच्चों की भराई वगैरह बहुत अच्छे से बर्ड्स उससे कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए जयपुर एक्सोटिक बर्ड्स इन्फो को और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आप लोगों को सारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज जो इस सॉफ्ट फूड के बारे में हम बात करने वाले हैं, एक तो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे पर्ट्स के लिए। रीज़न ये है कि वो बहुत ही हल्का होता है और बहुत ही जल्दी हम उसको तैयार करके हमारे पर्ट्स को दे सकते हैं। आप जैसा कि दोस्तों मेरे पर्ट्स के चिक्स को देख रहे होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं और उनका कल फेदर कलर और उनकी ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इनके माँ बाप इनको अच्छी बड़ाई करते हैं, क्योंकि मैं सॉफ्ट फूड में अब समय समय पर बदलाव करके देता रहता हूँ। चलिए जो दोस्तों, जिस सॉफ्ट फूड के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो दोस्तों मैं आज सॉफ्ट फूड देने जा रहा हूँ वो है ये पोहे। दोस्तों, आप इनको पोहा कह लीजिए या चूरा कह लीजिए, ये दोनों ही नाम से जाने जाते हैं। ये बाज़ार में बड़ी आसानी से उपलब्ध होते हैं, और इनमें दोस्तों हमें जब हमारे पर्स को देना होता है तो हमें ज़्यादा कुछ इनमें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनको ऊपर से पानी के थोड़े से छींटे देने हैं, जिससे हल्की सी नमी आ जाए, इनमें सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद हम डायरेक्ट इनको अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। तो दोस्तों, सब वीकली आप इसमें अपने सॉफ्ट फूड में बदलाव करके अपने बर्ड्स की सेहत पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डालते हैं। बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा एक ही खाना खा के परेशान नहीं होते, बोर नहीं होते, और साथ ही साथ में खाना जो अलग अलग मिलता है तो उनके सेहत भी काफ़ी अच्छी बनी रहती है। दोस्तों, इस फूड को खिलाने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो अगर जो आपके बर्ड्स में अगर जो आपकी कॉलोनी में चिक्स हैं, तो बर्ड्स इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खाएंगे और अपने चिक्स की भराई कराएंगे। चिक्स के लिए ये इसलिए फ़ायदेमंद है कि दोस्तों बहुत ही हल्का खाना होता है ये, और बहुत ही जल्दी पच जाता है, तो चिक्स को बड़ी जल्दी हजम हो जाता है और चिक्स वापस और उनकी ग्रोथ वगैरह बिल्कुल सही रहती है, और चिक्स वापस खाना खाते रहते हैं, इसमें उनके पोटे में कोई चीज़ फंसती नहीं है। तो दोस्तों, चिक्स के लिहाज से ये बहुत ही अच्छा है, और हमारे बर्ड्स को भी काफ़ी ज़्यादा आयरन न्यूट्रिशन इससे मिल जाता है। दोस्तों, पोहा वैसे भी सुबह के नाश्ते से के रूप में जाना जाता है, जो इंसानी शरीर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और फायदेमंद होता है, हल्का भोजन होता है। उसी प्रकार दोस्तों, हमारे बर्ड्स के लिए भी अगर जो हम इसको सॉफ्ट फूड में इस्तेमाल कराते हैं, आप काफ़ी लोग तो दोस्तों जानते भी नहीं होंगे कि हम पोहे को भी भिगो के हल्का सा दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जो आप इसको अच्छे से अपने बर्ड्स को वीक में एक या दो बार दे दें तो दोस्तों काफ़ी अच्छा रहता है। और दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं है कि आप इनको सिर्फ सर्दियों में दे, गर्मियों में दे, आप इनको 12 महीने अपने वीकली खाने में रख सकते हैं, बर्ड्स के चार्ट में, डाइट चार्ट में आप इसको रख सकते हैं। अपने बर्ड्स के सॉफ्ट फूड को बदल बदल के देने से बर्ड्स बोर नहीं होता एक ही खाना खाने से, और साथ ही साथ दोस्तों उसका जायका भी बदलता रहता है, बर्ड्स की सेहत भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है और बर्ड्स हेल्दी भी रहता है। तो दोस्तों, इस फूड को खिलाने का बेनिफिट ये होता है कि आप इसको फटाफट तैयार कर सकते हैं। आपको सिर्फ पोहे लेने हैं और थोड़ा सा पानी के छींटे देने हैं, और ये 5 मिनट इनको छोड़ दें, ये थोड़े से खुद ही भीग जाते हैं, उसके बाद बिल्कुल रेडी है आपके बर्ड्स को देने के लिए। दोस्तों, अगर जो आपके पास कॉलोनी है तो आप इनको कॉलोनी में डायरेक्ट रख सकते हैं, और इंडिविजुअल केज है तो आप सिंगल सिंगल पे भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो था मेरा यही बताने के लिए था कि मैं अपने बर्ड्स को आज के सॉफ्ट फूड में क्या दे रहा हूँ, और आप लोगों से ये बात शेयर भी करनी थी, ताकि जो भाइयों के पास बर्ड्स है, जिन भाइयों के पास बर्ड्स है और चिक्स निकले हुए हैं, और अभी सर्दियों का दोस्तों समय है, तो सॉफ्ट फूड में लोग सोचते हैं कि क्या दें क्या दें, तो एक ये बहुत अच्छा विकल्प आप लोगों के लिए हो सकता है। अगर जो आप लोगों को दोस्तों ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर जो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो समय समय पे प्रोवाइड कराता रहूं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे वापस एक नए वीडियो के साथ।
है।